आज मैं आपसे बादाम और चारों मगज के शरबत की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि इफ्तार स्पेशल है। इसे पीने से आपको थकान महसूस नहीं होगी और काफ़ी एनर्जी मिलेगी आपको। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बादाम और चारों मगज की एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए हमने यहाँ 50 ग्राम बादाम लिए हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। ये चारों मगज लिए हैं हमने, चारों मगज को भी हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था। दोनों का पानी हम स्ट्रेन कर चुके हैं। अब ये हम बादाम के सारे छिलके उतार लेंगे। छिलकों को हमने छील लिया है। अब यहाँ हम मिक्सी का जार लेंगे, सारे बादाम हम इसमें डाल देंगे और यहाँ जो हमने चारों मगज लिए हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक पैन चढ़ा देंगे। पैन चढ़ा दिया है। यहाँ हम पैन में हम 250 ग्राम चीनी डालेंगे और चीनी के साथ हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे। चीनी को हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए मेल्ट होने देना है। सिर्फ हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमें चाशनी एक या दो तार की नहीं बनानी है। बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो हमने बादाम का पेस्ट पीसा है हम ये सब मिला लेंगे। इसमें सारे बादाम और चार मगज के पेस्ट को हम इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से इसे हम पका लेंगे चाशनी के साथ। बादाम और चार मगज का शरबत इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसे पीने से काफ़ी आपको एनर्जी मिलेगी। इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और इससे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और आप इसको शरबत पीने से आप काफ़ी एनर्जी महसूस करेंगे और आपको इससे थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये रमज़ानों के लिए काफ़ी स्पेशल शरबत है। आप इसको इफ्तार के टाइम ज़रूर पिए। यह हमारा शरबत बनके तैयार है। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद एक बॉटल में हम इसे भर के इस बॉटल ले ली है। हम इसको बादाम और चारों मगज का शरबत ठंडा होता है तो हम इसमें इसको स्टोर करके रखेंगे। हमारा बादाम और चारों मगज का शरबत ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं इस बॉटल में। बॉटल में स्टोर कर लिया है। अब हम आपको इसमें सर्व करके बताएंगे। यहाँ हमें लेने हैं थोड़े आइस क्यूब्स ले लेंगे हम। एक गिलास में हम रू अफ़ज़ा के साथ बनाकर बताएंगे आपको और एक हम आपको बादाम के साथ बताएंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा रू अफ़ज़ा ले लिया है और यहाँ हम लेंगे साथ में बादाम और चारों मगज का जो हमने शरबत लिया है इसमें भी हम डालेंगे। अब यहाँ एक ग्लास दूध डालूंगी साथ ही में। जो हम वाइट बना रहे हैं सादा बादाम वाला तो इसमें हमें दूध ले लेना है। अगर आप दूध नहीं लेना चाहें तो खाली आप बादाम का ही शरबत इसमें डाल के बना सकते हैं। दूध के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर देंगे इसमें। अब यहाँ मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। ये हमारे दोनों गिलास रेडी हो गए हैं। एक हमने बादाम और चारों मगज का शरबत हमने एक बनाया है रू अफ़ज़ा के साथ और एक हमने बनाया है सादा बादाम और चारों मगज का। आपको जैसा पसंद हो आप इसे उसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे से ले सकते हैं। ये एक ही बॉटल से एक ही शरबत से हम दो तरह के बना सकते हैं तो इसे हम स्टोर करके रख देंगे। हम इसे आराम से रेफ्रिजरेटर में 1 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें को हम थोड़ा सा बादाम से गार्निश करेंगे। तो शरबत हमारे बनकर तैयार है। आप इसे इफ्तार के वक्त पीजिए, आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। अगर आपको मेरी बादाम और चारों मगज के शरबत की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें आपको मेरी बादाम और चारों मगज के शरबत की रेसिपी कैसी लगी।